नमस्कार। हम प्रकृति प्रेमी चाहे घर में कोई उत्सव हो या त्यौहार हो, अपने घर या द्वार को पेड़ पौधों से सजाना पसंद करते हैं। आज मैं आपको अपने गेट की शोभा बढ़ाने का तरीका बता रही हूँ। ये मैंने मनी प्लांट से एक पिलर तैयार करके रखा हुआ है। अब दूसरा मैं बनाने जा रही हूँ जो आपको दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने मनी प्लांट के पॉट में एक पीवीसी पाइप लगाकर और बांस लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास पीवीसी पाइप छोटा था और मुझे इसकी लंबाई बनानी थी। आपके पास बड़ा पीवीसी पाइप हो तो लगा सकते हैं, बांस या लकड़ी डायरेक्ट नहीं लगाएं, क्योंकि थोड़े दिन बाद वो पॉट में हम पानी डालते हैं उससे गल जाती है और वो टूट जाता है। इसलिए थोड़ा सा टुकड़ा ही सही पीवीसी पाइप का ज़रूर लगाएं। अब इसके ऊपर मैं ये जूट की बोरियां गोलाई में लपेटकर कॉटन के कपड़े से बांधूंगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से बांध दिया है। इसे बांधने के लिए मैंने पुरानी फॉलों का इस्तेमाल किया है। अगर आप सिटी में रहते हैं और आपको बोरी नहीं मिल पा रही है तो आप पुरानी फटी हुई दरी या कॉटन की चादरें भी लपेट सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं ये मनी प्लांट की बेल लपेट दूंगी। ये देखिए, मैंने मनी प्लांट की बेल लपेटकर इसको तैयार कर दिया है। अब इस पर पानी डालते समय ध्यान रखें कि पानी सिर्फ इस बोरी या चादर या दरी जो भी आप लपेटें उस पर ही डालें, क्योंकि ये धीरे धीरे बहकर पानी नीचे पौधे में भी लग जाता है। इससे क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो इससे चिपक जाएंगी और इससे मॉइस्चर लेकर ये पौधा बहुत अच्छे से बढ़ेगा और कुछ ही दिनों में ये द्वार तैयार हो जाएगा। आपके पत्ते भी बड़े बड़े हो जाएंगे। उत्सवों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। लग जाइए अपने घर और द्वार की सुंदरता बढ़ाने के लिए, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा हर घर में होता है और इसकी विशेषता भी सभी लोग जानते हैं। ऑक्सीजन देने के साथ साथ ये घर की आबोहवा में मौजूद विषैली गैसों को एब्जॉर्ब करके घर को पॉल्यूशन फ्री रखता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आइडिया कैसा लगा, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। अगर आप गार्डनिंग से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अवश्य बनाऊँगी। धन्यवाद।